नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे सवाल पूछे गए हैं नीट एग्जाम में और जेईई मेंस में, तो इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको उससे पहले हम ये सीख लें कि मोमेंटम होता क्या है ना। ज्यादातर लोग जानते होंगे मोमेंटम क्या होता है, जो नहीं जानते वो सीख लें तुरंत, बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक। पी इसे डिनोट करते हैं, वेक्टर फॉर्म होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पी इज इक्वल टू क्या, यानी मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी कोई पार्टिकल है एम मास का और इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो वी है, यानी इसकी वेलोसिटी वी है और मास एम है, तो आपसे कहा जाएगा इसका मोमेंटम, तो कहेंगे एम इंटू वी हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया, तो मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी। चलिए यूनिट अगर लिखनी जाए तो इसके क्या कहेंगे, कहेंगे ये देखिए किलोग्राम और इसके लिए मीटर पर सेकेंड, यानी ये कैसी क्वांटिटी, तो कह देंगे वेक्टर क्वांटिटी। जब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, एक अपनी डायरेक्शन होगी, कहेंगे डायरेक्शन किसके अलांग, कहेंगे इस पे डिपेंड करेगी वेलोसिटी पे, यानी अलांग वेलोसिटी, डायरेक्शन अलांग वेलोसिटी वेक्टर, ऐसे लिख दीजिए पूरा। ओ हो हो, ये लिखना है ना भाई, डायरेक्शन अलांग वेलोसिटी वेक्टर। चलिए क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं, आपने ये देख लिया, ठीक। कोई पार्टिकल है एम मास का, इसके अंदर वेलोसिटी वी है, तो इसका मोमेंटम एम वी हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। अब चूंकि वेक्टर आप जानते ही हैं सारा कुछ वेक्टर के मामले में, तो यहां पर भी वेक्टर के मामले में आप सब कुछ कर लेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि नंबर सेकेंड, आपसे कहा जाए कि पार्टिकल जो है वो ऐसे चल रहा, ऐसे कैसे, ऐसे, चलिए ये पार्टिकल ऐसे, ठीक, एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल ये ऐसे मूव कर रहा, उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ दे रखी वी, चलिए मास इसका एम है एट एन एंगल थीटा फ्रॉम एक्स डायरेक्शन, ये ऐसे चल रहा, मास एम है पार्टिकल का, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इसका मोमेंटम रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, कहेंगे देखिए इस वेलोसिटी वेक्टर का दो फॉर्म बनेगा, दो कंपोनेंट बनेगा, एक इधर की तरफ वी कॉस थीटा और इधर की तरफ क्या बन जाता है, वी साइन थीटा। क्लियर है बात, वी साइन थीटा। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी यहां पर देखिए यहां हमें क्या लिखना है, वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है, वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब हम ये कह देंगे P इज इक्वल टू एम और उसके बाद यहां पे क्या वेलोसिटी वेक्टर वाला बात लिखना भैया, यानी V cos थीटा I कैप प्लस का V sin थीटा J कैप, यही तो, यही लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर आप इसी में क्या कर दें, एम वी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लिखेंगे एम वी कॉस थीटा आई कैप और प्लस का एम वी साइन थीटा जे कैप। ये देखिए एम वी बन गया, ये भी एम वी बन गया और ये एम वी क्या है, यानी ये भी एम वी क्या हो जाएगा, कहेंगे ये देखिए पी, ठीक, कॉस थीटा आई कैप प्लस इसका मतलब पी साइन थीटा जे कैप। अब ये पी कहां से रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसको ये वाले, यानी एक तो आपने ये रिप्रेजेंटेशन इसका है, एक ये बन रहा है, तो इसी चीज को जो ये है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर यही पार्टिकल है और इसकी जो डायरेक्शन है मोमेंटम की वो ये दे रखी है, ये वाली, ये तो ये एंगल थीटा है, तो आप इधर की तरफ क्या कह देंगे पी कॉस थीटा और इधर की तरफ कह देंगे पी साइन थीटा, सेम बातें हैं दोनों, पी साइन थीटा, कोई दिक्कत, यानी ये वाई और एक्स, तो ये देखिए इसके लिए ये लिख दिया हमने, इसके लिए ये देख दिया, कोई दिक्कत, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेक्टर फॉर्म में, ठीक। तो ये दो बातें एकदम आपने सीख ली, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये है कोई वेक्टर ये ऐसे, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यानी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम पहले से ही सीख के आए हैं कि अगर कोई वेक्टर ए एट एन एंगल थीटा पर रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, इस तरीके से आपको बताया जाए, तो आप कह देते थे इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाता ए कॉस थीटा और इधर की तरफ एक कंपोनेंट, यानी ये वाला आप कह देते थे ए साइन थीटा। क्या कोई नया काम हुआ, कोई नया काम हुआ नहीं, यानी कोई नया काम जब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेम, जहां जहां वेक्टर की बात आएगी, वेक्टर के सारे रूल और रेगुलेशन सब हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब इतनी बातें आपने नोट कर ली, ठीक ना, इतनी बातें आपने नोट कर ली, अभी नहीं नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम। अभी तो हमने देखा मोमेंटम और मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के तरीके, यही तो देखा कि वेक्टर फॉर्म है तो कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम। अब हम क्या बात करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है ड्रामा, जैसे चेंज इन वेलोसिटी होती थी ठीक इसी तरह से चेंज टू मोमेंटम। चेंज का मतलब फाइनल मान, इनिशियल हमेशा एक ही बात है, हमेशा यही करना है, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, चाहे फोर्स हो, जहां चेंज जिसको कहा जाए उसका मतलब उसकी फाइनल माइनस का उसकी इनिशियल, यही तो करना है। इसका मतलब कैसे कर लिया जाए, देखिए नंबर एक, अगर आपसे कहा जाए कि एक पार्टिकल एम मास का और ये देखिए ऐसे चल रहा है, बात को समझिएगा जरा ये गौर से, यहां पर ठीक मास एम है और ये वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसकी वी वन यहां पर है, देखिए डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, लेकिन अब वेलोसिटी बदल गई इसकी एम टू, कुछ देर बाद इन टू, तो यहां पर जो मोमेंटम आएगा वो क्या हो जाएगा, कहेंगे पी वन हो जाएगा, वो कितना होगा, कहेंगे एम पी वन ठीक। चूंकि डायरेक्शन सेम है तो आप इसको डायरेक्शन एक्स केवल अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, यानी वन डायमेंशन है सब कुछ, तो इसलिए हम उसको कंपोनेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, कहेंगे पी टू इज इक्वल टू एम वी टू, ठीक क्लियर है इतना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसका मतलब हमसे कहा जा रहा है चेंज इन मोमेंटम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम का मतलब, यानी डेल्टा पी, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको चेंज इन मोमेंटम का मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू आप लिखेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, याद करने के लिए पहले लिख लीजिए, वरना बार एक ही जो है एक ही बार में करेंगे तो सब हो जाएगा गड़बड़, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। यानी P फाइनल का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यानी इसके लिए हो जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, और इसका मतलब क्या होता है, कहेंगे ये देखिए हो जाएगा इसका मतलब एम वी टू माइनस एम वी वन, इसका क्या मतलब हुआ, M कॉमन ले लीजिए और यहां क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, ठीक इसका मतलब M डेल्टा V, यही तो हुआ डेल्टा P का मतलब पहले केस के लिए, ये हो गया इसका मीनिंग, आपको समझ में आ रहा है। यानी जब चेंज इन मोमेंटम का मतलब चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास, यही तो चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास, क्लियर बात है। क्या मोमेंटम अलग से कोई चीज है क्या, कहेंगे नहीं वेलोसिटी और मास का ही काम है यहां पे, यानी चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, आप ये समझ गए, ये तो हो गया वन डायमेंशन में। अगर पार्टिकल इसी तरह से आपसे कहा जाए एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, कैसे चल रहा है एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स प्लेन है और मतलब एक्स वाई प्लेन है, और पार्टिकल आपकी बार यहां था फिर यहां था, पार्टिकल क्या था यहां था फिर यहां था, ऐसे हो गया ठीक। तो यानी इसका मतलब वेलोसिटी बदल गई तो मोमेंटम बदल गया, बात समझिए, वेलोसिटी बदल गई तो मोमेंटम बदल गया ठीक है ना, भले ही एक ही डायरेक्शन में है लेकिन वेलोसिटी बदल गई तो मोमेंटम बदल गया। अगर इसी तरह से डायरेक्शन बदल जाए तो इस वाले केस में वही है, अगर मान लीजिए यहां पे मास m है ठीक, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी अब की बार थोड़ा सा इधर v1 है ठीक, और इसकी है कहेंगे ये इधर की तरफ v2 ठीक, मास वही है ठीक, एक बार यहां पर है एक बार यहां पर, ये नाम लीजिए एट ए और एट बी, ये बी और ए पॉइंट पर मास है, इस तरीके से चल रहे हैं ठीक ना। इसका क्या मतलब हुआ, यानी इसका ये मतलब हुआ कि इसका P1 वेक्टर किधर की तरफ, ये इधर ही की तरफ हो जाएगा, और इसका P2 वेक्टर भी इधर की तरफ हो जाएगा, क्लियर बात है, क्लियर बात। तो यहां पर अब यानी ये इनिशियल पहले यहां था फिर बाद में यहां चला गया, यहां था फिर बाद में यहां हो गया, ये तो इसका मतलब अब इसमें चेंज कैसे हुआ, और आपसे कहा जा रहा है कि ये किसकी वजह से चेंज हुआ, कहेंगे डायरेक्शन की वजह से, भले ही मैग्नीट्यूड अलग हो, सॉरी भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन बदल गई तो मामला बदल गया। इसका मतलब इसमें आप लिखेंगे क्या, P1 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना होगा आपको, P1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या, कहेंगे एम वी वन वेक्टर, एंड P2 वेक्टर इज इक्वल टू एम वी टू वेक्टर। अब आपसे कहा जा रहा डेल्टा P वेक्टर लिखना है तो आपके क्या लिख देंगे, कहेंगे एम यहां पर देखिए वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर ठीक ठीक। इसका यह मतलब हुआ कि डेल्टा पी जो आएगा वो ये भी आएगा एम ठीक ना, यहां पे डेल्टा वी वेक्टर फॉर्म, दोनों में कोई खास अंतर, कहेंगे कुछ नहीं अंतर, यहां डायरेक्शन के साथ है, यहां जो है मैग्नीट्यूड इन वन डायमेंशन, यहां क्या है प्लेन में है तो डायरेक्शन का, यानी जब भी हम बात करेंगे वेक्टर का तो सारा खेल वेक्टर का हम यहां लगाएंगे, वरना काम गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर हो गई बातें। इसका मतलब यानी यहां पे P फाइनल माइनस P इनिशियल आप समझ गए, या फिर इस बात को भी लिख लीजिए, और डेल्टा P जो यहां से आप निकाल के ला रहे हैं M इंटू डेल्टा V,
या फिर इसी को लिखेंगे एम, उसके बाद यहां पे ब्रैकेट में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कोई दिक्कत नहीं, सारे फॉर्मूले आपको हर रूप का यानी हर रूप और रंग के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। इतनी बातें क्लियर है, एकदम क्लियर हो गई बात। अब इसके वेक्टर एक्स वाई कंपोनेंट आप करेंगे वी वन के, तो वही कंपोनेंट यहां भी हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए पी का, तो पी के दो कंपोनेंट इसके भी कंपोनेंट बनेंगे, इसके भी कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट वाइज आप यहां पे वेक्टर को आई जे के में लिख सकते हैं। ठीक है ना, जरा एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल या एक केस हम लोग देखते हैं जरा, जिसमें कंपोनेंट करके सारी चीजें कैसे लिखेंगे। चलिए ठीक, एक बार पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में यहां पर है और ये मास का है जिसकी वेलोसिटी ऐसे दे रखी है v1 वेक्टर एट एन एंगल थीटा, ये है भी ठीक। यहां पर इसी तरीके से आप कह देंगे इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, कह देंगे v2 और ये देखिए एंगल अब की बार थीटा 2 या थीटा डैश। कोई दिक्कत नहीं, नैन डायरेक्शन बदल गई तो मोमेंटम बदल गया डायरेक्शन। अगर यही थीटा रहती तो इसका मतलब वेलोसिटी बदल दीजिए तो काम बन जाएगा आपका। यानी किसकी वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है, कहेंगे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन मास को, ठीक मास बदलेगा तो जाहिर सी बात है मोमेंटम बदल ही जाएगा, तो अलग बात है पार्टिकल ही बदल जाएगा तो मोमेंटम तो अलग आएगा ही, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट तो आएगा ही, उसके लिए कहां सेम हो सकता है। ठीक है ना, यहां बात यह है कि एक ही मास है लेकिन फिर भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका मतलब या तो डायरेक्शन बदल रही है या फिर उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, किसका? वेलोसिटी का। तो यहां वही चीज हम लोग करने जा रहे हैं ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, ये चीजें आप जानते हैं, कंपोनेंट आप बना लेंगे। या इसी चीज को आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए दो पार्टिकल अगर सवाल में ऐसे कह दिया जाए, एक तरफ इसका p1 वेक्टर इधर की तरफ है और यहां देखिए p2 वेक्टर इधर की तरफ है, तो दोनों बातें एकदम, आप ये थीटा 1 है और इसमें ये थीटा 2 है, तो आप इसके भी कंपोनेंट कर लेंगे। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, मास का वही था ठीक है। तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, कहेंगे v1 cos थीटा, v1 cos थीटा, इधर की तरफ कंपोनेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा v2, ओ भैया v2 तो वो है ना v1 sin थीटा, इधर की तरफ v2 cos थीटा, इधर की तरफ v2 sin थीटा, और ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है, तो ये थीटा डैश कर लीजिए ठीक। यहां थीटा 1 थीटा 2 लिखा है तो इसको थीटा 1 और डैश कर लीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा, कहेंगे p1 cos थीटा ठीक, और इधर की तरफ p1 sin थीटा, और इधर की तरफ p1 cos थीटा डैश, और इधर की तरफ p2 है ना p2 sin थीटा डैश। क्लियर है बात, एक्स वाई में एक बार यहां था एक बार वहां था ठीक। ये कुछ भी दे सकता है या ऐसे करके ग्राफ कोई भी, वहां पर वो अलग बात है, वो उसको बाद में डिटेल में हम लोग लाप मोशन में इसमें खूब रिसर्च चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, इसे जितने सवाल है सब लगेंगे। फिलहाल थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लें इसके कंपोनेंट कंपोनेंट, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में कंपोनेंट करने पड़ते हैं ठीक है ना, यही चीज। तो अब आप क्या कहेंगे इसको, कहेंगे पी ठीक, इसको क्या इनिशियल और फाइनल को नाम दे लीजिए, इसका ए नाम रखिए, इसका बी नाम रखिए, ए नाम रखिए बी नाम रखिए, दोनों बातें एक ही हैं ठीक। तो मोमेंटम एट, मोमेंटम एट ए, मोमेंटम एट ए क्या लिख दें इसको, p1 वेक्टर ठीक, सीधे सीधे तो इस फॉर्म में आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे m, और इसके साथ आपने क्या किया, कहेंगे v1 cos थीटा आई कैप और प्लस का v1 sin थीटा जे कैप, यही तो कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं आप, उसमें यानी मोमेंटम एट बी, यहां क्या लिख देंगे, कहेंगे p2 इज इक्वल टू m ठीक ठीक। अच्छा उसका वाला छोड़ दिया आपने, उसको भी लिख लीजिए, और p1 इज इक्वल टू क्या, यहां पे p1 cos थीटा आई कैप प्लस p1 sin थीटा जे कैप। ये P1 क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका, लिख लीजिएगा यहां पे P1 और यहां V1 क्या है, कहेंगे V1 है मैग्नीट्यूड ठीक, यहां पे क्या P1 मैग्नीट्यूड। क्लियर बात है,
चलिए तो अब आप इसको लिख लीजिए, इस वाले को भी, यानी मोमेंटम एट बी, मोमेंटम एट बी क्या हो जाएगा, मोमेंटम एट बी क्या हो जाएगा, कहेंगे पी टू इज इक्वल टू एम। यहां पे क्या कोई दिक्कत हो रही क्या, आराम आराम से आ रहा है ना एकदम, यानी एम उसके बाद क्या हो जाएगा वी टू कॉस थीटा आई कैप प्लस का वी टू साइन थीटा जे कैप, क्लियर बात। या फिर आप ऐसे लिखेंगे इसको P2 इज इक्वल टू कितना P2 cos थीटा आई कैप प्लस यहां पे क्या P2 sin थीटा जे कैप। तो क्या इसका चेंज नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे, यानी डेल्टा P इज इक्वल टू क्या, यानी ये कंपोनेंट में आपने कर लिया, अब इसका चेंज लिखना है। तो चेंज लिखने के लिए क्या है, कहेंगे देखिए P2 माइनस P1, या फिर आप लिखेंगे क्या M इंटू V2 माइनस V1, दोनों बातें इसी चीज को, तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, तो आप दोनों को लिख लीजिए। तो P2 माइनस P1 करना है तो ये देखिए क्या हो जाएगा P2, P2 जैसे है वैसे लिख रहे हैं P2 cos थीटा ये देखिए I कैप और यहां पे क्या प्लस का P2 sin थीटा J कैप, P2 वाला हो गया। अब माइनस P1, अब माइनस P1 का मतलब ये हो गया, ठीक है ना, ये वेक्टर है ना भाई साहब, ये वेक्टर है ना, इसको लगाए रखिए, ये छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये अब देखिए यहां पे माइनस करना है तो ये पूरे में माइनस हो जाएगा, यानी ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक। तो आप इसको एक ब्रैकेट में लिख के बार बार लिखने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे हम रख दें, समझ गए आप बात क्या हम करें। देखिए यहाँ पे P1 P2 को आपने रखा, फिर माइनस करना P1, तो आपने माइनस करना P1 का मतलब यानी इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी जो कुछ इसकी डायरेक्शन थी वो क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी, चेंज इन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन करना है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा और ये क्या आएगा, ये सब बातें अभी हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का P1 cos थीटा I कैप और प्लस का सॉरी ये भी माइनस का क्या, अच्छा ये थीटा और थीटा डैश में कंफ्यूजन हो गया क्या, कौन कौन थीटा डैश था, ये वाला थीटा डैश, ये वाला थीटा डैश है V2 वाला, तो इसमें थीटा डैश नहीं रहेगा, यहां पे थीटा डैश हो जाएगा भाई साहब, ये देखिए छोटी छोटी मिस्टेक, इसको सुधारिए, ये थीटा डैश हो जाएगा, ठीक इधर नहीं रहेगा, ठीक ना, थीटा डैश हो जाएगा, देखिए भूल रहा था छूट जाता है बड़ा पूरा मामला एक चौपट हो जाता, ठीक ना। चलिए अब यहां क्या लिख दें, P1 उसके बाद cos थीटा, ठीक ये थीटा डैश है ये थीटा है, तो जैसे रहेगा वैसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंगल क्या है दोनों अलग अलग है, तो जोड़ घटा पाएंगे, बिल्कुल जोड़ घटा पाएंगे, तो एंगल सेम रहेगा तो एंगल सेम कर लेंगे, यानी ये हो गया लिखने का तरीका इसका। तो हमें बस ये तरीका सीखना है कि कैसे लिखा जाता है, जब ये हम करना जान जाएंगे तो फिर सवालों में कुछ दम थोड़ी बचती है, ठीक। इसी तरह से आप वी टू के टर्म में लिखना चाहें तो आप वी टू के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम वी टू माइनस वी वन लिखा है ना, देखिए लिखा ना वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर, वी वन वेक्टर वी टू वेक्टर को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया, ये देखिए वी वन को इससे और V2 के इससे, तो यानी V2 का मतलब यहां पे ये, ठीक V2 cos थीटा डैश I कैप, फिर यहां पे प्लस V2 sin थीटा J कैप, फिर उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा V1, ये थीटा डैश रहने दीजिए, ठीक ना, V1 cos थीटा I कैप, फिर माइनस V1 ठीक साइन थीटा जे कैप, यही बनेगा, ये इसके फॉर्म में लिखने का तरीका, ये आप कंपोनेंट के फॉर्म में लिखने का तरीका सीख गए तो समझ लीजिए आपका सवाल प्रोजेक्टाइल से आ जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, आप चलते हैं सीधे प्रोजेक्टाइल पे, चेंज इन है ना मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल, ठीक इसको नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम बात करेंगे इनके सब प्रोजेक्टाइल, चूंकि आप कंपोनेंट वगैरह करना जान गए, उसका मोमेंटम लिखना जान गए, कंपोनेंट में और इनिशियल फाइनल सारा चीज जान गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, नहीं एंगल एंगल का ध्यान रखेंगे, हमसे हो गया गलती, आपसे नहीं होना चाहिए, आपको पेपर देना है। चलिए अब हम बात करें क्या इन प्रोजेक्टाइल, इन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल वाले केस में क्या है भैया, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल वाले केस में यही तो था कि ये पार्टिकल एट एन एंगल थीटा से इसको थ्रो किया गया और यहां पहुंच जाता है, इसका वेक्टर ये इधर की तरफ आपने दिखा लिया u,
तो जाहिर सी बात है यहां पर जब वो जाता है तब भी ये क्या होता है यू, वेक्टर तो सेम रहेगा यानी डायरेक्शन तो सेम ही रहती है। और ये एंगल अगर थीटा रहता है, ये वाला एंगल अगर थीटा था तो क्या ये एंगल थीटा नहीं रहता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए एंगल कैसे देखते हैं, ये भी वाला एंगल क्या हो जाएगा, कहेंगे थीटा, ये इसके सामने वाला थीटा। अब इसके आपने क्या किए थे कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस थी ये वाई एक्सिस थी, इसके कंपोनेंट किए थे, कंपोनेंट कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, किसके, इनिशियल वेलोसिटी के, जो कि यहां एंगल, यहां क्या यू कॉस थीटा, देखिए ये इधर की तरफ, यहां क्या कहेंगे इधर की तरफ यू साइन थीटा। क्लियर है बात है? तो क्या यहां पर हम नहीं कर लेंगे कंपोनेंट, बिल्कुल कर लेंगे, यानी इधर की तरफ यू कॉस थीटा जो कि कभी नहीं बदलता, लेकिन ये वाला बदल जाता है, ठीक ना, वाई वाला कंपोनेंट बदलता रहता, लेकिन जब यहां पर आया तो कहेंगे सेम होगा, ये वाई वाला कंपोनेंट जो आया है ना वेलोसिटी का, वाई वाला कंपोनेंट यानी जो इसका ये वाई वाला कंपोनेंट जो यहां यहां पे रहता है वही यहां पे रहेगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये तो हम देखेंगे यहां से, ठीक। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अब कहा जा रहा है कि अगर पार्टिकल जो थ्रो किया गया इसका मास एम था तो यहां पर भी मास वही रहेगा भैया एम मास का, ऐसा तो है नहीं कि हवा में गया तो इसका जो है टुकड़ा टुकड़ा हो गया, ऐसा नहीं, टुकड़ा टुकड़ा वाला सवाल हम लोग बाद में करेंगे, एम मास। ठीक, क्लियर है बात? तो अब आप इसका मोमेंटम लिखना है तो आप लिख लेंगे, यानी देखिए यू इनिशियल यहां पे क्या लिखेंगे, इनिशियल सब कुछ, यहां पे फाइनल सब कुछ, ठीक है ना, तो आप कैसे लिखेंगे इसके लिए यू इनिशियल क्या होगा? तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी किधर हो रही है, वाई डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में, तो कहेंगे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो यानी एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यानी चेंज इन एक्स मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, लेकिन वाई डायरेक्शन में कहेंगे हाँ चेंज हो रहा है, देखिए इसकी इधर की तरफ है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, चूंकि वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज हो रहा है जबकि यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, इसको भी ऐसे भी करते हैं, फिलहाल हम पूरा एक एक बात लिखते हैं हम लोग, यानी यू इनिशियल क्या है, यह इनिशियल पोजिशन पर, और फिर उसके बाद फाइनल, यू इनिशियल क्या कहेंगे यू cos थीटा, इसका वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है ना, यू cos थीटा i कैप प्लस यू sin थीटा j कैप। चलिए यू फाइनल आप लिखेंगे भैया, फाइनल वाला लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे यू cos थीटा i कैप जैसा था वैसा ही रहेगा, माइनस हो जाएगा यू sin थीटा j कैप, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, एक्स वाई में इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। चलिए अब आपको लिखना मोमेंटम p इनिशियल, मोमेंटम इनिशियल, तो इनिशियल में आपके क्या करना, बस इसमें मास का मल्टीप्लाई कर देना रहेगा, यू कॉस थीटा आई कैप और यहां पे प्लस यू साइन थीटा जे कैप, कोई दिक्कत नहीं, यानी यहां पे मोमेंटम आपको शो करना हो तो क्या लिखेंगे, यानी पी वन या पी इनिशियल, यहां पे पी फाइनल, और इसके साथ केवल वेलोसिटी की ही तो डायरेक्शन बस चेंज हो रही है, और तो कोई है नहीं यहां पे कोई चीज, यानी इसी का तो कंपोनेंट है यहां पर, तो इसके कंपोनेंट यहां भिड़ा दीजिए आपका काम हो गया। ठीक, इसी तरह से पी फाइनल अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे एम, ठीक, यू कॉस थीटा यहां पे क्या आई कैप और यहां पे माइनस था चूंकि माइनस यू साइन थीटा जे कैप। ठीक, सारी बातें एकदम क्लियर हो रही है, कंपोनेंट करना आना चाहिए, ये कंपोनेंट करना आना चाहिए, सवाल दो मिनट में लगता है। ठीक, चलिए अब आती बात चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, तो डेल्टा पी के लिए क्या होता है, कहेंगे पी फाइनल और माइनस का पी इनिशियल, यही तो इसका मतलब, आप इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए P फाइनल, फाइनल M का अंदर मल्टीप्लाई करके इसको लिख लीजिए अंदर, M U cos थीटा, ये देखिए I कैप और यहां पे क्या माइनस का, ये माइनस कहां से, प्लस रहेगा ना भाई, माइनस P फाइनल वाले के लिख रहे हैं, यहां माइनस M U फिर साइन थीटा J कैप, ये एक ब्रैकेट में हो गया, अब पी फाइनल आपने लिख लिया, माइनस करना है पी आई, तो पी आई के लिए मतलब इसको पूरा माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना एम यू कॉस थीटा आई कैप, फिर उसके बाद ये वाला माइनस कितना, देखिए एम यू साइन थीटा जी कैप, एक स्टेप हमने नहीं लिखा, आप समझ जाइए कैसे, देखिए पी फाइनल करेंगे तो ये वाला पूरा आपको जैसे के तैसे उतार लेना है, बस एम का मल्टर मल्टीप्लाई करके हमने छाप लिया, फिर ये माइनस हमने यहां लगाया, तो माइनस पी आई का मतलब यहां माइनस अगर पी आई करेंगे तो यहां माइनस, माइनस का पूरे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये भी वाला टर्म माइनस, ये भी वाला टर्म माइनस, ये टर्म माइनस, ये टर्म माइनस, ये इतना टर्म,
ये इतना जो टर्म है वो है माइनस पी इनिशियल, ये इतना टर्म बस, ये इतना टर्म। और ये टर्म क्या है, कहेंगे ये है पी फाइनल, यही है, देखिए ठीक ना। अब यहां से क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे क्या है, ये एम यू कॉस थीटा i का पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये इससे जाएगा कट, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कितना माइनस टू टाइम्स ऑफ एम यू साइन थीटा j के, एम यू साइन थीटा j के, ये हो जाता है चेंज इन प्रोजेक्टाइल, चेंज इन मोमेंटम इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब पार्टिकल अपने इनिशियल से और जहां जाके टकरा गया तब। अब इसको इतना क्या ऐसे ही लगाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब बातें समझ में आ गई आपको, आपका हो गया ये काम खत्म। अब दूसरा केस देखना है, फिलहाल ट्रिक क्या है देखिए, आप सीधे सीधे लिखेंगे ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है, ये ट्रिक व्रिक नहीं है, बस खाली हल्का सा दिमाग। ये वेलोसिटी इधर चेंज हो रही थी, नहीं यानी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, यानी चेंज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, क्या आ जाएगा, कहेंगे डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, अनो चेंज का मतलब जीरो, जैसा ही मोमेंटम यहां रहेगा वैसा ही मोमेंटम यहां रहेगा, यानी यहां पर लिखेंगे देखिए एम यू कॉस थीटा, यहां पर भी एम यू कॉस थीटा, यानी दोनों मोमेंटम सेम है, तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो चेंज करेंगे का मतलब पी फाइनल, पी माइनस पी फाइनल का मतलब एम यू साइन थीटा, एम यू कॉस थीटा, ये जो हम लिखेंगे यहां पर क्या एम यू कॉस थीटा, इसको कैसे लिख देंगे, अरे आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे कहेंगे एम यू कॉस थीटा माइनस का एम यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब वाई डायरेक्शन में आप देखिए, ठीक, चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, अब बचा केवल वाई डायरेक्शन का, यही तो, यानी तुरंत आपने डायरेक्शन देखा, एक्स डायरेक्शन में कभी चेंज नहीं होगा, तो अब बचा वाई डायरेक्शन का केवल, क्लियर बात है, वाई डायरेक्शन में क्या देखेंगे हम, इधर की तरफ वेलोसिटी इधर है, इधर है, तो यानी फाइनल क्या है ये, तो फाइनल जब ये है तो आप लिखेंगे इसको क्या, कहेंगे यहां पे देखिए डेल्टा, यानी डेल्टा पी, यही तो लिखेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या, यहां पे चेंज इन मोमेंटम सीधे सीधे लिखना है तो आप सीधे सीधे लिखिए केवल डेल्टा पी, वाई डायरेक्शन का लिखना है तो आप इसको वेक्टर वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वन डायमेंशन में आप सब कुछ लिख रहे, तो वहां वेक्टर का क्या काम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पर हो जाएगा यानी फाइनल वाला कितना, फाइनल वाला माइनस का कितना, कहेंगे एम यू साइन थीटा, फिर इनिशियल वाले को माइनस करना है, पी फाइनल माइनस का इनिशियल एम ये एम यू साइन थीटा, क्या आ जाएगा आंसर माइनस टू एम यू साइन थीटा, यही आप कर लेंगे आप तुरंत आ जाएगा आंसर, हर जगह इसी तरह से देखना रहेगा, डायरेक्शन देखिए काम हो जाएगा, ठीक ना, तो इसको नोट कर लीजिए, पूछा जाता है बार बार कि कितना आएगा, ठीक कितना आएगा, तो ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, इतना ही आएगा ये मैग्नीट्यूड, ठीक, क्योंकि इसी का स्क्वायर करके रूट लेंगे, तो इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा, कहेंगे टू एम यू साइन थीटा, तो आपसे कभी कभी मैग्नीट्यूड भी पूछ लिया जाता है, चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, पूरा जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया तब, ये प्रोजेक्टाइल के केस में सवाल बन रहे अच्छे खासे, इससे पूछे जा रहे हैं, तो इसको नोट करिए, फिर अगला केस चलते हैं। चलिए अगली कहानी का, चेंज इन मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, चेंज इन मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट का क्या मतलब हो गया, यानी ये देखिए पार्टिकल यहां था, ठीक, और ये ऐसे चला गया, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, ये है तो यहां पर भी जाएगा, जाहिर सी बात है जाएगा, ये इधर की तरफ यू कॉस थीटा, मास इसका कह रहे हैं एम है, ठीक, मास एम है, ये वाला कंपोनेंट नहीं चेंज होता तो यू कॉस थीटा ही रहेगा, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, कहेंगे u sin थीटा इनिशियली, और यहां पर ये जो आएगा u y डैश जिसको आप निकालते थे वो इस समय एट हाईएस्ट पॉइंट जीरो होता है, क्लियर बात है, तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन जीरो, ठीक, इस बात को लिख लीजिए यहां पे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, सीधे सीधे लिखिए आप, ज्यादा
ठीक है ना, इन एक्स डायरेक्शन। आर्टिकल पार्टिकल बात एक क्या है, ओ अरे पार्टिकल का नाम लिया, पार्टिकल छापने लगे, इज इक्वल टू जीरो। अब आ जाइए, आपसे कहा जाए चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, तो क्या करेंगे? हालांकि अब तो कुछ लोग तुरंत आंसर निकाल लेंगे देख के ही, कैसे, यहां पे एम यू साइन थीटा और यहां पे जीरो, तो वाई डायरेक्शन मोमेंटम क्या है इधर की, यहां पे फाइनल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में जीरो, तो जीरो माइनस का एम यू साइन थीटा आप तुरंत लिख लेंगे, यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या कहेंगे, पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल, और यहां पर क्या जीरो माइनस का एम यू, और ये वेक्टर वेक्टर अपना बना लीजिएगा जो बनाना हो, ठीक है ना, एम यू साइन थीटा जे कैप ये हो जाएगा, और यहां हो जाएगा कितना, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इसका, और यहां पे आप मैग्नीट्यूड इसका लिख देंगे डेल्टा पी का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को नहीं, क्या हो जाएगा एम यू साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये, तो आप ये एक लाइन और बढ़ा दें नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एम यू साइन थीटा, ये जीरो से हटा के लिख दिया ना जे के, ये हो जाएगा एट हाईएस्ट पॉइंट पर चेंज इन मोमेंटम। इसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए कहेंगे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कहेंगे एम यू साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात, आराम से एकदम आ जा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अगर आप पार्टिकल को अगर पूछा जाए कि यहां पर अगर चला जाए, यहां पर चला जाए यही वाला पार्टिकल, तो बताइए कैसे निकालेंगे, तो बड़े आराम से इनिशियल तो यही रहेगा, चाहे एक्स डायरेक्शन में हो चाहे वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कभी मोमेंटम चेंज होगा ही नहीं, बात ही खत्म है, तो अब रह गया वाई वाला केवल, तो वाई वाले में इनिशियल क्या कहेंगे एम यू साइन थीटा जे कैप, ठीक, यहां पर अब हमें चाहिए, इसका मतलब एक कंप इसका इधर की तरफ आप ये करते हैं, इधर की तरफ लिख लेते हैं यू का थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाता है कहेंगे यू वाई डैश, डबल डैश कर लीजिए अगर वहां जीरो है तो, यू वाई डैश आपको निकालना पड़ता है, तो कहेंगे यू वाई डैश निकालने का तरीका क्या था, एट एनी टाइम टी पर जो फार्मूला था आपका क्या यू साइन थीटा और ए देखिए माइनस जी टी, ठीक, यहां से आप यू वाई डैश निकाल लेंगे और यहां से आप फाइनल मोमेंटम इसका निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा कहेंगे यहाँ पे पी फाइनल जो आएगा वो आ जाएगा एम यू वाई डबल डैश, और इसमें से इसको माइनस कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, वाई डायरेक्शन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है बातें, तो चाहे जैसा सवाल पूछा जाए आप लगा लेंगे, ठीक, तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि इसका मोमेंटम कब बदल रहा है, पार्टिकल का मोमेंटम कब बदल रहा है, मास अगर सेम है तब, यानी किसी पार्टिकल का है ना, किसी गिवन पार्टिकल का मोमेंटम कब बदल रहा है, जब उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले या फिर उसकी डायरेक्शन बदले वेलोसिटी की, ठीक, तो इसको बात को नोट के तौर पर लिख लीजिए, नोट पहले ही लिखना चाहिए था ये नोट, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नोट 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 लिखिए, यदि वेलोसिटी की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड बदलता है तो, ठीक है ना, डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड कोई भी अगर बदल जाए, ठीक, किसी पार्टिकल के लिए लिख लीजिए कि एक पार्ट किसी पार्टिकल के लिए है ये, कई सारे पार्टिकल के लिए नहीं कि मास बदल गया, मास बदल जाएगा तो बदल ही जाएगा, मतलब गिवन मास के लिए यदि क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड बदलता है तो मोमेंटम बदल जाता है, तो अंग्रेजी में लिखना चाहे तो अंग्रेजी में लिख लें, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विल बी चेंज्ड, अंग्रेजी में लिखने वाले अंग्रेजी में लिख लें, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विल बी चेंज इफ डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, ठीक ना, तो आप जैसे चाहे वैसे लिख लें, ठीक, तो ये आज के लेक्चर में हम लोग इतना देखे, अब एक चीज और पढ़ते, काइनेटिक एनर्जी इनके साथ प्रोजेक्ट आई, जरा काइनेटिक एनर्जी देखते, ठीक, काइनेटिक एनर्जी ट्रेडिंग डालिए, काइनेटिक एनर्जी इन प्रोजेक्ट आई, चलिए काइनेटिक एनर्जी इन प्रोजेक्ट आई,
काइनेटिक एनर्जी जानते हैं क्या होता है? जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है एम मास का किसी वेलोसिटी वी से, तो उसके अंदर एक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? गतिमान वस्तु। और कोई गतिमान वस्तु की एनर्जी, यानी गतिमान वस्तु है यानी वो मोशन में वस्तु है, गति कर रही है, चल रही है, तो उस चलायमान एनर्जी कहेंगे उसको, उसमें जो ऊर्जा होगी उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहां वही बात है, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है। चलिए ये देखिए, यहां था प्रोजेक्टाइल के केस में, तो काइनेटिक एनर्जी चूंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, नंबर एक। सभी को पता है अगर एम मास का पार्टिकल अगर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो उसके अंदर एनर्जी कितनी है काइनेटिक वाली, तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब जो सवाल पूछा जा रहा है वह थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, ठीक, थोड़ा सा दूसरे टाइप का। चलिए, कह रहे हैं कि इनिशियली ये u है, ठीक, एट एन एंगल थीटा, इसमें एक्स वाई डायरेक्शन आपको करना नहीं क्योंकि ये तो स्केलर स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इससे कोई लेना देना तो है नहीं, है ना, है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए, क्लियर इतनी बातें, बताइए। तो यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जैसे फेंका गया जस्ट, मतलब यानी कि हाथ में लिए है तब काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही यहां पे, यहां पर मान लीजिए यहां ओरिजिन से थोड़ा सा एक सेकंड आगे बढ़ा तब, ठीक, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मान लेते इसको के, कितना मान लीजिए इसको के वन कह लीजिए, K1 कह लीजिए, K1 इक्वल टू क्या कहेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक, ये बातें आपको सी। अब काइनेटिक एनर्जी कहा जा रहा है कि एट हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, यानी ये एच मैक्स, तो यहां पर क्या कहेंगे, ये देखिए इधर की तरफ वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो तो जीरो, और इधर वाला यू कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होता है वो हो जाता है यू वाई इक्वल टू जीरो, इधर वाला कंपोनेंट जीरो, केवल यही बचता है यू कॉस थीटा ही बचता है, उधर जीरो, उधर कुछ है ही नहीं, तो इधर कुछ है ही नहीं, तो यानी इधर की तरफ आप इसको खत्म कर लीजिए, ठीक, पार्टिकल वहां पहुंच गया। तो यानी एट हाईएस्ट पॉइंट अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो क्या बताएंगे, तो यानी एट हाईएस्ट पॉइंट, चलिए एट काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट मान लीजिए इसको कितना K2, तो क्या हो जाएगा हाफ एम, एक्टर वेक्टर से हमें कोई दिक्कत नहीं, यानी यहां पर कितनी वेलोसिटी कहेंगे ये है, सिर्फ स्पीड कितनी यही वाली है सिर्फ ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा कहेंगे यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक, बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर, एट हाइएस्ट पॉइंट पर, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, डेल्टा के, डेल्टा के सिंपली K2 - K1, ये अल्जेब्रिक सम होता है, इसमें वेक्टर वेक्टर से कोई मतलब नहीं, इसको समझ पा रहे हैं आप, ये कितना हो जाएगा। अब कह रहे हैं सवाल में कि यहां पर, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, यानी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कितना, हाफ एम यू स्क्वायर, ये बन जाएगा डेल्टा के, ठीक, और हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हो जाएगा डेल्टा के, कोई दिक्कत, ये बन जाएगा। अब इसको और आगे आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, देखिए बहुत आसानी चीजें हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं, इससे सवाल पूछे गए हैं फालतू का, तो इनिशियल एनर्जी एम यू स्क्वायर हो जाएगा, फाइनल हाइट हाइएस्ट पॉइंट क्या यार, जन जन काइनेटिक एनर्जी, सवाल में कहा गया था कि मान लीजिए ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी अगर ये ई नॉट हो, ये क्या हो ई नॉट हो, तो बताइए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी ये वाला ई नॉट होता। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं इधर सवाल के तरीके, ठीक, इतनी बात है, इसलिए क्लियर है। अच्छा एक चीज और होती है, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू वन, ये लिखे कहां लिखे, यहां लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक,
तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये करने की कोई खास आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी, कर लिया जाए। क्या मतलब, वही माइनस में आ जाएगा और कहीं कुछ नहीं। यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यही तो भाई। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, बस। तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा दीजिए। चलिए इसको लिख लीजिए, अगर साइन के टर्म में दिएगा तब ना, जब जरूरत पड़ेगी तब कर लिया जाएगा, थोड़ी बहुत तो मैथ आती है कि नहीं। तो इसको हटा दीजिए, ये वाला पार्ट हटा। अब सवाल में देखिए, ये तो आ गया ठीक ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। सवाल में क्या था, हाँ सवाल में कहा जा रहा है कि ये अगर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई नॉट है ठीक, तो बताइए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। नहीं, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, इफ इसको कहा जा रहा है कि इफ ये ई नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। यहां से देखिए ये वाले को, इसको आगे बढ़ाइए, अगर ये क्या हो ई नॉट हो तो इसको कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट को, यानी के टू इज इक्वल टू क्या, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे हाफ, यहां पे ई नॉट, हाफ का पूरा पूरे को ई नॉट बोला गया, इस पूरे को क्या हो जाएगा ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा के टू एट हाईएस्ट, ये भी पूछा गया था। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे इसमें पूछा जाए तो आप निकाल लेंगे, यानी के टू माइनस के वन कर देंगे ठीक, के टू माइनस के वन कर देंगे, तो के टू माइनस के वन कर देंगे यानी डेल्टा के लिखेंगे। तो इसके लिए, इस वाले केसेस के लिए क्या हो जाएगा, कहेंगे देखिए ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ई नॉट, तो यहां क्या लिख देंगे, ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ठीक। तो ये इस तरीके से सवाल पूछे गए थे, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से एकदम, है ना। इसके एनालिसिस बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं कि यार क्या तो आ जाएगा, आ जाएगा अच्छी बात है, आ जाएगा, आना चाहिए, ये बात अच्छी है, लेकिन आपको एनालिसिस करनी चाहिए चीजों की। अगर सवाल आया है तो इसकी एनालिसिस कर लिया जाए तो कम से कम पता तो चल गया कि यानी अब कहां पूछा जा सकता है, यानी यहां से यहां तक पूछा गया तो सकता है यहां पर पूछा जाए, यहां पर पूछा जाए, तो हमें क्या निकालना रह जाता है, हमें निकालना क्या है, अगर पूछा जाए यहां पर पार्टिकल है तो यहां पर है तो सिर्फ और सिर्फ जैसे आपसे कहा जाए कि यहां वाला तो आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया कितना, कहेंगे ये हो गया ठीक। अगर यहां निकालना कहेंगे बस इसका ये जो वी है ना, वी अब ये वी हो जाता है, यू नहीं रह जाएगा, अब ये वी, और इसका जो आप जानते हैं कि ये इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ यू कॉस थीटा हो जाता है ठीक, इधर की तरफ क्या यू कॉस थीटा और इधर की तरफ यू वाई, और यहां से आप निकाल के इसका ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, और यहां पे आप फिर इसके बाद हाफ एम और ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी यहां पर हो जाएगी एट पॉइंट पी पर। बात समझ रहे हैं, तो सवाल यहां तक भी पूछा जा सकता है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अब और केवल हमारे पास बचा न्यूमेरिकल लगाने को। अब हम लोग दो लेक्चर एकदम लगातार न्यूमेरिकल लगाएंगे, कम से कम 30 सवाल तक, कम से कम 30 है ना, मतलब 26 सवाल हैं कुल टोटल, 26 से 27 सवाल हम लोग क्या करेंगे, अब केवल सवाल लगाएंगे। ये नोट्स हमारे अब कंप्लीट हो गए प्रोजेक्टाइल मोशन के ठीक। धन्यवाद, खूब मेहनत से एकदम पढ़ते रहिए ठीक है ना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आवाज की अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, माइक, दरअसल माइक खराब है, इसकी वजह से लेक्चर बहुत ज्यादा नहीं बन पा रहा है, ये भी एक समस्या है, और उसको बदलने की प्रोसेस चल रही है, वो पता नहीं कैसे हैं, बदल ही नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ठीक है ना। तो जैसे ही अगर अब माइक सही हो जाएगा तो सारी क्लासेस एकदम रेगुलर जैसे अपलोड होती थी उसी तरह से अपलोड होंगी, तीन तीन चार चार डेली, थोड़ा माइक का बस इशू हो जा रहा है, हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है, समस्या ये भी है ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी।